दोस्तों एक बादशाह था जो बहुत ज्यादा कंजूस था। पूरी रियाया ये बात जानती थी कि बादशाह किसी को भी इनाम नहीं देता। एक शख्स जो बादशाह के दरबार में हमेशा आता, बादशाह उसे बहुत अच्छे से जानता था। ये शख्स काफी इल्मी शख्स था, इसके पास इल्म काफी ज्यादा था। एक शख्स ने इसे कहा कि तेरे पास तो बहुत इल्म है, क्या तू बादशाह से इनाम ले सकता है? उसने कहा कि हाँ, मैं बादशाह से इनाम ले सकता हूँ। वो बादशाह के पास चला गया और कहने लगा कि बादशाह, मुझे आपसे कुछ इनाम चाहिए। बादशाह ने पूछा कि मैं तुझे किस बात पर इनाम दूँ? उसने कहा कि आप मुझसे कुछ सवाल करें, अगर मैं जवाब ना दे सका तो आप मुझे इनाम ना देना, और अगर मैं जवाब देता हूँ तो आपको मुझे इनाम देना होगा। बादशाह कहने लगा कि ये बताओ कि मेरे हथेली में बाल क्यों नहीं? उसने कहा कि बादशाह, आप इतने सखी हैं और आप लोगों को इतना अता करते हैं कि ज्यादा इनाम देने की वजह से आपकी हथेली घिस गई है। बादशाह को बहुत तेज गुस्सा आया। वो ये बात बखूबी जानता था कि वो कभी भी किसी की मदद नहीं करता। उसने फिर सवाल किया कि अब ये बताओ कि तुम्हारे हथेली में बाल क्यों नहीं? सवाल सुनकर उस शख्स ने कहा कि हुजूर, आपने मुझे इतना अता किया है कि मेरे भी हाथ घिस गए हैं। बादशाह ने फिर सवाल किया कि अब ये बताओ कि सारे दरबारियों के हथेली में बाल क्यों नहीं? अब उस शख्स ने जवाब दिया कि हुजूर, जब आप जैसा सखी मुझे नवाजता है तो ये सारे दरबारी हसद की वजह से अपने हाथ मलते हैं, जिसकी वजह से इनके भी हथेलियों में बाल नहीं। बादशाह इसके आगे लाजवाब हो गया और इसे बहुत भारी रकम इनाम के तौर पर अता की। दोस्तों, इल्म एक ऐसी चीज है जो इंसान को मुश्किलों से बचाती है। हमारा उस उम्मत से ताल्लुक है जिस उम्मत के नबी ने इरशाद फरमाया कि इल्म की तलब में तुम इतना चलो कि तुम्हारे लोहे के जूते भी घिस कर खत्म हो जाए, फिर भी ये ना सोचना कि तुमने मुकम्मल इल्म हासिल कर लिया। हमारा ताल्लुक उस दीन से है कि जिसमें इल्म हासिल करने को फर्ज करार दिया गया है। अल्लाह अपने हबीब के सदके हम सारे मुसलमानों की रहनुमाई फरमाए।